Hello dear viewers, I welcome you all to your own YouTube channel Prep Up, right? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोथ फॉर सीटेड एज वेल एज फॉर KVS. तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी क्योंकि आज हम पार्ट टू करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का. पार्ट फर्स्ट में अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखिए क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और एक्सप्लेन भी किया व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. एक्सप्लेनेशन भी थी उसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए. नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, राइट? तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट टू में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मैंने पिछले पेपर से लिए हुए हैं. तो पिछले पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं. चलिए देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चंस जब सीटेट और KVS की बात आती है तो आपको मैंने कहा कि हार्ड वर्क भी जरूरी है लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे? हम एक टॉपिक लेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट? क्योंकि वो आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में, राइट? सो द पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे. Sorry, I forgot to introduce myself to you. This is Aisha, your educator for today, right? So the first question is, a provision for education of children with learning disabilities can be done through. Learning disabilities, we have discussed it in detail in our last video. Just in case if you have not watched, please go to the last video, part one. There we have discussed this thing very in a detailed manner, right? Learning disabilities. So a provision for education of children with learning disabilities can be done through. हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जो कि learning disabilities के शिकार हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? Mainstreaming कर सकते हैं, integration कर सकते हैं, inclusive education कर सकते हैं या none of the above? अब क्या लगता है आपको? देखिए अगर हम mainstreaming की बात करें तो mainstreaming एक general सा term है जहाँ पे हम सबको ला के यू नो एक साथ पढ़ाएंगे. मेन स्ट्रीमिंग, राइट? इंटीग्रेशन है कि आप कुछ टाइम तक बच्चों को विद लर्निंग डिसेबिलिटीज उनको आप कुछ टाइम तक दूसरे बच्चों के साथ एक रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाओगे बट अल्टीमेटली वो अपने जो उनके अलग स्कूल्स हैं भाई मतलब कुछ टाइम तक उनको इंटीग्रेट करना आपस में एक साथ रखना तो वो होता है इंटीग्रेशन. तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमने लास्ट वाले लेसन में डिस्कस किया. सामान्य शिक्षा सबके लिए एक सी एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर यू नो सोशल बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो इन सारी चीज़ों को परे रखकर उन सब के लिए एजुकेशन फॉर ऑल इन वन क्लासरूम तो वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड नन ऑफ देयर. इसका आंसर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मुझे लगता है आपने अभी तक अपने माइंड में इसका आंसर ढूंढ लिया होगा और अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इंक्लूसिव एजुकेशन इज द न्यू अप्रोच ओके व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. तो इसका आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन ही है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. Which of the following facilitates inclusive education the most? Okay, in jo niche options, sorry, I forgot to give options here A, B, C, D. Okay, so which of the following facilitates inclusive education the most? In jo niche options diye gaye hain, in mein se sabse zyada inclusive education ke liye kya zaruri hai, right? So the first option is the teacher should give due importance to the views of the students. एक टीचर को अपने जो बच्चे हैं राइट उनकी व्यूज उनके पॉइंट ऑफ व्यूज उनके पर्सपेक्टिव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द टीचर. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये एक अलग से टॉपिक है सीटेट के सिलेबस में, राइट? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बट अभी के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे. तो इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स बिकम मेजर प्रॉब्लम फॉर अ टीचर, राइट? ये टीचर के लिए क्योंकि हर एक बच्चा अलग है तो ये बच्चे टीचर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है.
चिल्ड्रन विद लो आईक्यू विल लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम स्टडीइंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन, जो कि बच्चे विद डिसेबिलिटीज हैं, ओके, या नॉट डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद लो आईक्यू, जिनका आईक्यू कम है, ठीक है, वो जब रेगुलर क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेंगे तो उससे उनका आईक्यू जो है वो ठीक हो जाएगा. When included in normal classroom, specially abled children will further lag behind because the performance of other students will frustrate them. तो जब ये बच्चे जो कि specially abled बच्चे हैं, okay, specially, I'm sure कि आप secret exam देने वाले हैं, KVS का exam देने वाले हैं, आपको पता होनी चाहिए कि specially abled child कौन होते हैं. तो जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जब हम इनको एक नॉर्मल क्लासरूम में रखते हैं तो उससे वो और पीछे चले जाते हैं, जो कि उनको और फ्रस्ट्रेट करता है, राइट? तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, प्लीज थिंक, आई एम नॉट गोना टेल यू आंसर. प्लीज सोचे और देखिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज खुद को, वेयर डू यू स्टैंड, जस्ट असेस योरसेल्फ, खुद को देखिए कि आपको कितना पता है. जी, अगर आपका ऑप्शन ए आंसर है तो आप बिल्कुल सही है. द टीचर शुड गिव यू इम्पोर्टेंस टू द व्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स. एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक बच्चे की बात सुने, चाहे वो लो आईक्यू वाला हो, हाई आईक्यू वाला हो, स्पेशली एबल्ड हो, गिफ्टेड हो, क्योंकि एक क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे होते हैं. एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हो, राइट? तो फ्यूचर टीचर के लिए, या आप में से बहुत सारे ऑलरेडी स्कूल्स में काम कर रहे होंगे, राइट? तो खुद की परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए या खुद का ग्रेड एनहांस करने के लिए आप ये एग्जाम दे रहे हो, राइट? तो आपको पता होनी चाहिए कि एक क्लासरूम में वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ लर्नर्स, राइट? तो हमने उन सब के व्यू पॉइंट्स को, उन सब के प्रस्पेक्टिव्स को सुनना है, ठीक है? ये नहीं कि कोई किसी बच्चे का लेवल थोड़ा लो है तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, ठीक है? नहीं, उसकी बात, अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा, राइट? तो प्लीज एक टीचर के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आप प्लीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीचर, एज अ टीचर आई कैन फील इट, राइट? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट एंड हाउ वन फील्स जब एक बच्चे को उसका नहीं बोलने आप देते हो कि वो क्या बोलना चाहता है, तो वो डिस्करेज होता है और नेक्स्ट टाइम वो आंसर ही नहीं देगा क्लास में, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इसमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का? फर्स्ट, स्कूल शुड अडैप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसनड एंड टेकन सीरियसली. प्लीज, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, प्लीज रीड इट प्रॉपरली. एक नॉट की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो हम जल्दी जल्दी में या हम एक्साइटमेंट में हमें आंसर पता होता है, लेकिन अब हम एक सिंगल चीज को मिस कर जाते हैं, तो वो ये नॉट होता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. स्कूल शुड अडैप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसनड एंड टेकन सीरियसली. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. Equal educational opportunities are given to all students. Please have a look at these options and think. As far as option A is concerned, it's completely correct. Adapt to the needs of the students. As I said in my last video as well, कि system को change होना है, बच्चे को नहीं, right? So adapt करें school बच्चे के हिसाब से. Students should be listened properly, right? Educational opportunities are given to all. सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज. तो इसमें इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, तो इसमें ऑप्शन सी आपका आंसर होना चाहिए. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. नो, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ टीचर और फॉर द स्कूल, राइट? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर स्कूल, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. सो अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप ये लीस्ट को नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप करेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, राइट? तो प्लीज आपके सामने जब भी क्वेश्चन पेपर आए, जल्दबाजी ना करें और एक्साइटेड ना हो, राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के, इवन इट हैज हैपेंड विद मी एज वेल, राइट? ओवर एक्साइटेड, हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा आंसर गलत कर देते हैं, राइट? तो पहले अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़े, समझे. Okay, so in this case, which of the following is least important in an inclusive classroom? So, सबसे ज्यादा कम important क्या है?
लेस स्ट्रेस ऑन कॉम्पिटिशन एंड ग्रेड्स. इंक्लूसिव क्लास में जब आप डिफरेंट सेट ऑफ लर्नर्स हैं, आपको पता है हर एक की एबिलिटी अलग है, तो उसमें आप कॉम्पिटिशन, ऑफकोर्स देर शुड बी अ कॉम्पिटिशन, बट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. और स्टूडेंट्स उसको एज ए प्रेशर नहीं लेने चाहिए, ग्रेड्स की नहीं होना चाहिए. तो लेस स्ट्रेस, तो ये तो एब्सोल्युटली ये है. मोस्ट कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, कोऑपरेशन भी होना चाहिए, कोलैबोरेशन भी होना चाहिए, ठीक है. मोस्ट एफर्ट्स बाय द टीचर टू कवर द कोर्स कम्प्लीटली. देखिए, कोर्स कम्प्लीट करना भी जरूरी है, बट टीचर उसी के साथ साथ अपना इम्पोर्टेंट, मतलब उसी की तरफ उसका ध्यान हो, दैट्स नॉट करेक्ट. मोर चॉइस फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स. हाँ, स्टूडेंट्स खुद अपनी एक्टिविटीज फ्रेम कर सकते हैं, लाइक वो क्या करना चाहते हैं, वो किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन पे चीजें थ्रस्ट ना करें टीचर, ज्यादा डिक्टेटरशिप ना हो क्लास में, बच्चों को इंडिपेंडेंटली जो वो चाहते हैं उनको, जो एक्टिविटीज उनको करने दें. एज द रोल ऑफ अ टीचर इन नाउडेज क्लासरूम इज जस्ट दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर. ओके, लेट चिल्ड्रन बी देमसेल्फ, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग. टीचर का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए. तो इसके हिसाब से अगर आपने सोचा है कि ऑप्शन सी इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ओके, बिकॉज मोस्ट एफर्ट्स बाय द टीचर टू कवर द कोर्स कम्प्लीटली, ऑफकोर्स कोर्स कम्प्लीटली कर रहा है, लेकिन उसी की तरफ ध्यान देके आप रश करोगे, आप एक्टिविटीज बच्चों को नहीं कराओगे प्रॉपरली, राइट, तो दैट नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड, अ टीचर शुड, अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं जिसके फादर या मदर में से कोई उसके पास नहीं है, ओके, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, उसको आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे. सो द ऑप्शन फर्स्ट इज प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, उसके लिए आप अच्छा सा स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, ठीक है. ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है. उसको स्टेबल, पहला ऑप्शन था स्टेबल एनवायरनमेंट फ्रेयर, आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे अप्रोप्रिएट आपको क्या लगता है, राइट. तो ऑप्शन बी है ओवरलुक दिस फैक्ट द एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन. आप इसको दिमाग से निकाल दो कि इस बच्चे का एक पेरेंट नहीं है और उसको दूसरे बच्चों के साथ इवन उनसे अच्छा आप मानो, ठीक है. आप इसको एक उसकी कमजोरी ना समझो कि वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, उसकी कोई कमजोरी है, उसकी कमजोरी ना इसको समझो और उसको दूसरे बच्चों से ऊपर समझो, मतलब वो भी उनके लेवल का ही उनसे आगे कर सकता है, राइट. ट्रीट सच चाइल्ड डिफरेंटली, उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, कुछ पैम्पर करो अलग से, राइट. असाइन लेसर होम असाइनमेंट टू सच चाइल्ड, उस बच्चे को आप होम असाइनमेंट कम दो, राइट. तो आप प्लीज पॉन्डर कीजिए ओवर दीज क्वेश्चंस एंड थिंक व्हिच वन कुड बी द आंसर, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ओवरलुक दिस फैक्ट, ऑप्शन बी ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड. क्योंकि एक बच्चा अगर सिंगल पेरेंट, तो उसको आप क्लास में आके उसको फील नहीं कराओगे हाँ तुम इन बच्चों से अलग हो, तुम इनके जैसे नहीं हो सकते, तुम्हें अलग रहना है, एक बबल उसके लिए बनाओगे, ठीक है, एक बबल जिसमें वो रहेगा, अलग से बैठेगा क्लासरूम में, ऐसा नहीं है, ओके. आप उनको उसको दूसरे बच्चों के जैसा ही ट्रीट करोगे, उसको भी फील कराओगे नहीं तुम इनके जैसे ही हो, तुम में कोई कमी नहीं है, राइट. और ना ही तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि तुम में कोई कमी है, तुम इनके जैसे नहीं हो, प्लीज. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Moving on, next question. An inclusive school reflects on all of the following questions except, right? In mein se kya kya, matlab inclusive school jo hai, jisme inclusive education impart ki jati hai, wo kin kin cheezon pe gaur karta hai? Do we believe that all students can learn? Haan ji, is question pe zaruri wo sochega, kya hum ye sach mein sochte hain ki har ek bachcha seekh sakta hai, right? To ye question to unke dimag mein aana hi chahiye. Do we work in teams to plan and deliver learning enabling environment? क्या हमारे बच्चे, क्या हम सच में बच्चों को ग्रुप्स बनाते हैं ताकि वो उनकी लर्निंग इनेबल हो, ठीक है, और उनको उनके अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं क्या? ये obviously वो स्कूल तो सोचेगा ही जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रहा है. Do we properly segregate special children from normal to provide better care? क्या इंक्लूसिव स्कूल में ये सोचा जाएगा कि हम कैसे बच्चों को अलग अलग करेंगे उनके एबिलिटीज के हिसाब से, ताकि स्पेशल जो बच्चे हैं या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो अलग रहें और नॉर्मल बच्चे अलग रहें, क्या वो सेग्रीगेशन पे सोचेंगे? डू वी अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज केटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स?
ओबियसली उनको सोचना है. मुझे लगता है कि ऑप्शन डी भी उस वो सोचेंगे कि हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज क्या क्या प्लान्स बनाने बनाने हैं ताकि जो हमारे क्लास में डाइवर्सिटी है हम उसको केटर कर सके. तो इसके हिसाब से अगर आपका आपका ऑप्शन एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, आप देख सकते हैं कि एक एक्सेप्ट की वजह से पूरा आंसर चेंज हो रहा है. तो एक्सेप्ट, सो द व्हेन वी रीड दिस वर्ड एक्सेप्ट देन द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर. सो दिस इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट, दिस शुड बी द आंसर बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्स एक्सेप्ट. सो दिस इज द आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Teachers must live in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged children? Teachers को क्या 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 उनके क्या beliefs होने चाहिए, right? When it comes to disadvantaged learners, right? No demand of any sort on the student. बच्चे से कोई demand ना करें, okay? For immediate compliance of students, use of being shocked and angry. उन पे गुस्सा हो, उन पे अपना मतलब उनसे shocked हो, उन पे गुस्सा करें. अगर वो आपकी बात ना माने, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, ये खुद पे लेना कि हाँ जी अगर ये बच्चा है कि मुझे इसको कराना ही कराना है किसी भी तरीके से, मेरे को इसको इस टाइम फ्रेम में मैं इसको चेंज कराऊंगा या इस टाइम फ्रेम में इस मतलब वो आप अपने लिए एक सेट करता है कि हाँ इस टाइम तक मैं इसका ये कराऊंगा. हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप उसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर. सो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. देखो आप शॉक भी नहीं हो सकते हो उसे, एंग्री भी नहीं हो सकते हो उसे, राइट? पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आप अपने लिए लिमिट्स नहीं सेट कर सकते हो, आपने एक टाइम फ्रेम बना लिया, आपने अपने लिए रूल सेट. देखो आपको उनके हिसाब से हर दिन अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, हर दिन अपना लेसन प्लान चेंज करना पड़ेगा, हर दिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी. तो आप पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सो ये आंसर हो ही नहीं सकते. सो आंसर इज नो डिमांड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑन द स्टूडेंट. आप कोई एक्सपेक्टेशन कोई डिमांड नहीं रख सकते हो, राइट? सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मेनी एज प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल. टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर. असेसमेंट्स आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव्स मिनिमम ग्रेड्स. टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक्स टू लेसन द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स. यस, which one is the correct answer? When it comes to first option, it says ये कहता है कि active involvement of the child in solving as many as problems as possible. आप उसको मतलब जितना वो कर सके problems उतना as possible जितना ज़्यादा हो सके, right? Teachers create diverse and meaningful learning experience for them. Teachers एक ऐसा माहौल create कर सकते हैं या करते हैं जिसमें क्लास में जो diversity है, ठीक है ना, वो सारी कवर हो, उनके लिए अच्छे एक्सपीरियंस मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस देना उनको, राइट? सो दिस थर्ड ऑप्शन असेसमेंट. असेसमेंट्स आर रिपीटेड, आप उनको असेस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे जब तक उनकी मिनिमम ग्रेड्स ना हो. टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, जो आपकी बुक दी गई है एनसीईआरटी की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से, बस आप उसके हिसाब से उनको पढ़ाओगे, आप बुक से बाहर नहीं जाओगे और ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करोगे. If your answer is option B, then you are correct. क्योंकि एक टीचर को डाइवर्सिटी के हिसाब से अपने प्लान्स अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, रैशनल मींस द रीजन, द होल प्रिंसिपल क्या है. इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज पे बेस्ड है? सोसाइटीज हिटेरोजीनियस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू केटर टू दिस हिटेरोजीनियस सोसाइटी. Heterogeneous here means having a different set of people because society is not homogeneous, right? एक ही तरह के लोग सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, belonging to different states, belonging to different languages, belonging to different traditions, customs, right? So they belong to different
kind of things. So, but right, so that's heterogeneous, mixed. It has mixed set of people, right? So society is heterogeneous, and schools need to be inclusive to cater to this heterogeneous society, right? So this is the first option. The benchmarks for performance of each child should be uniform and standardized. आपके जो आपने दिमाग में बिठा दिया है कि हर एक बच्चे को हम ये इतना कराना है, ऐसे कराना, तो आपने एक स्टैंडर्डाइजेशन इसमें क्रिएट की. वी नीड टू टेक पिटी ऑन स्पेशल चिल्ड्रन. आप स्पेशल चिल्ड्रन जो है उन पे रहम खा के, उनकी दया खा के, एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू फैसिलिटीज. उनको उन पे दिखाओगे नहीं आप छोटे हो, आप में ये कमी है, उनको फील कराओगे और उनको फैसिलिटीज दोगे. एंड द फोर्थ ऑप्शन, इट्स नॉट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. या आप ये कहोगे कि हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन बच्चों को ये सारी सुविधाएं दे पाए, तो ये हमारे लिए हमें अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन ए स्कूल दैट यू नो फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन. तो यहाँ पे आंसर, सॉरी, तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन है वहां पे हिटेरोजीनियस सोसाइटी को आती ही आती है, और इंक्लूसिव एजुकेशन हिटेरोजीनियस सोसाइटी को कम्प्लीटली उसके उसको माना जाता है, उसके हिसाब से अपने क्लासरूम स्कूल सिस्टम उसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं. 10th, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज. टीचर का रोल क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम में? टू एंश्योर दैट द टीचर गिव्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस टू क्लास. स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स एक जनरलाइजेशन आप कर रहे हो, जनरल आप एक लेसन प्लान बना रहे हो जो कि सबके लिए सेम है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, राइट? तो ये आप ऐसा करते हो, टू नो द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नोज व्हाट ईच चाइल्ड्स फ्यूचर ऑक्यूपेशन होगी. आप क्या करोगे, आप एज अ टीचर आप हर एक बच्चे जो कि फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ लर्नर्स जो आपकी क्लास में, हर एक बच्चे का बैकग्राउंड देखोगे, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ताकि आप ये जान सको, आप ये गेस कर सको कि उनके बच्चे क्या करेंगे. ये बिल्कुल गलत बात है. अगर किसी के पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है एंड ही इज फ्रॉम यू नो नॉट अ वेल टू डू फैमिली, ही इज नॉट वेल ऑफ, ओके, ही इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, गरीब खानदान से, अगर उसके पेरेंट्स गरीब है या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इनकम लो है, तो आप ये दिमाग में बिठा लोगे कि उनका बच्चा भी वैसे ही बनेगा. एज अ टीचर यू कैन नॉट डू दैट, राइट? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाता है. टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, आप ये मेक श्योर करोगे कि हर एक बच्चे को वो मौका मिल रहा है जिससे उसका पोटेंशियल उभर के बाहर आए, राइट? एंड टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेसेस एट द सेम टाइम. आप अपना आप ऐसे अपनी मेथड्स, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हर एक बच्चा एक ही प्रोग्रेस करे, लेकिन एक साथ प्रोग्रेस करे. क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास में अलग अलग सेट ऑफ लर्नर्स होते हैं, हर एक का पेस अलग अलग होता है. अगर एक बच्चा एक दिन में चार चीजें सीखता है, तो दूसरा बच्चा वो चार चीजें सीखने में 4 दिन लगा सकता है, तो या 3 दिन लग सकते हैं, सो 2 दिन लग सकते हैं. सो every individual is different. So here the answer is option C. Option C is the correct answer here. Okay, research shows that, next question, research shows that children with mild retardation placed in regular classroom learn. Mild retardation, right? Retardation in the sense mental, okay, mentally they are not that good, right? So what do you think? Do they perform at the same level as normal children? जब हम ऐसे बच्चों को एक रेगुलर क्लासरूम में बिठाते हैं, तो आपको क्या लगता है, वो दूसरे बच्चों के साथ उनके लेवल के जैसा परफॉर्म करेंगे? मोर देन दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम. अगर उनको फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेशल चिल्ड्रन है, उनको हम स्पेशल क्लासरूम में बिठाएंगे, स्पेशल क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जो उनके जो नॉर्मल स्कूल से अलग होता है, और उनमें बिठाएंगे, आप सोचते हो कि उनमें वो ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं रादर देन अ नॉर्मल क्लासरूम, राइट? अबाउट द सेम एज दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम्स. आप अबाउट द सेम एज दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल, तो आपको लगता है कि अगर हम ऐसे बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में बिठाएंगे, तो वो उतनी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे जितनी वो स्पेशल क्लासरूम में दिखाते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा.
लेस देन दे वुड इफ प्लेस इन स्पेशल क्लासरूम, या अगर हम उनको नॉर्मल क्लासरूम में बिठाएंगे, ओके, लेस देन दे वुड इफ प्लेस इन स्पेशल क्लासरूम, स्पेशल क्लासरूम में बिठाने से कम, मतलब उससे कम करेंगे. क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. वी थिंक दे विल परफॉर्म मोर देन दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम्स, राइट? सो दिस आंसर इज दे वुड परफॉर्म मोर, वो ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, राइट? सो द आंसर इज रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन विद माइल्ड रिटार्डेशन प्लेस्ड इन रेगुलर क्लासरूम लर्न मोर देन दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम, तो उससे ज्यादा वो अच्छे से सीखेंगे. तो रिसर्च ये कहती है जब हम स्पेशल चिल्ड्रन को नॉर्मल स्कूल क्लासरूम में बिठाते हैं, रेगुलर क्लासरूम में बिठाते हैं, वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनकी ग्रेड्स चेंज होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स स्कूल्स मस्ट, जब स्कूल्स ओके उन बच्चों के साथ डील करते हैं जो कि लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके साथ क्या करना है? प्रोवाइड देम विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल्स सो एज टू डेवलप सेल्फ एस्टीम अमंग देम, हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एक्सक्यूजेस फॉर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू करिकुलर एक्टिविटी बाय सेग्रीगेटिंग देम फॉर बेटर अटेंशन, एक्सपेक्ट देम टू पजेस अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. पहला ऑप्शन, प्रोवाइड देम एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स डेवलप करना ताकि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हो. सेकेंड ऑप्शन, हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एक्सक्यूजेस फॉर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, ठीक है, उनके कोई एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट ना करो आप, उनको अगर एक दिन भी स्कूल ना आए उनको जी बस स्कूल से निकाल दो, राइट? जीरो टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं करोगे आप ये चीज, उनकी कोई बहानेबाजी. अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू करिकुलर एक्टिविटीज बाय सेग्रीगेटिंग देम फॉर बेटर अटेंशन, उनको आप सेग्रीगेट करोगे. देखिए सेग्रीगेशन करना कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सीधी रूल आउट हो जाता है. एक्सपेक्ट देम टू पजेस अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ, फॉर एग्जांपल कोई बच्चे हैं जो कि स्लम से आए हैं, ठीक है, बच्चे तो वो भी आए, लेकिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो आपके नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं जो वेल ऑफ पॉश एरिया से हैं उनके जैसे बिहेव करेंगे, तो ये नहीं होगा. इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें माहौल की गलती है, जो जिस माहौल में वो पले बड़े हैं, राइट? तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे एज ए स्कूल एज ए सिस्टम, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका बिहेवियर चेंज करो, और वो जब दूसरे बच्चों के साथ रहेंगे वो भी सीखेंगे और धीरे धीरे उनमें चेंज आएगी. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यू नीड टू प्रोवाइड देम एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, आपको उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो और उनमें कॉन्फिडेंस आए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. मूविंग ऑन टू question number 13. In India, learners with special education needs do not include. इसमें क्या क्या नहीं आते हैं, देखिए question कितना twisted है, do not include. उसमें क्या नहीं, और जब भी आप SEN देखें, special education needs, ये question पूछा, what is the full form of SEN, तो it's special education needs. तो उसमें क्या क्या नहीं आते हैं, children from backward classes, हाँ जी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना, बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं, स्पेशल में बैकवर्ड नहीं आते हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम एससी एंड एसटी फैमिलीज नहीं आते हैं, चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वो भी नहीं. स्पेशल एजुकेशन सिर्फ उनके लिए होती है जो कि ऑटिज्म, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, जो जिनमें एक पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर हो, डिजीज हो, राइट, मेंटली, फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करें, एपिलेप्सी की बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स की बात करें, तो ये सारे बच्चे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के अंदर आते हैं, तो उनमें ये बच्चे नहीं आएंगे, तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, राइट? सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, differently able child. देखिए आप पहले हम कहते थे disabled, okay, physically challenged, handicapped. As a teacher you cannot use this term handicapped,
ओके हैंडीकैप्ड आप यूज नहीं कर सकते हो. नाउ द टर्म द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टर्म एंड वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड टर्म इज डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि वो बच्चे के साथ जो भी जो चैलेंज होते हैं राइट दे आर डिफरेंटली एबल्ड. उनमें एक चीज नहीं है लेकिन उनमें कोई हजार चीजों अलग हो सकती है. कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, ठीक है. तो उनको हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर. तो उनमें क्या है कंट्रोलिंग एज अ टीचर आप क्या करोगे, उसका बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसकी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, इम्प्रूविंग उसके ग्रेड से इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, या उसका दर्द दुख दर्द बांट के उसकी सफरिंग कम करोगे, उसको ये एहसास दिलाओगे कि तुम जिस किसी चीज से सफर कर रहे हो और मैं तुम्हारा दर्द कम करूंगी, इस चीज को मैं कम करूंगी. या देखिए एज अ टीचर यू मस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग हिज इट्स स्किल्स. व्हाई? बिकॉज सबके स्किल्स इम्प्रूव होंगे, ऑब्वियसली उसके ग्रेड्स इम्प्रूव होंगे और धीरे धीरे उसकी बिहेवियर में भी चेंज आएगी. तो जब उसके बिहेवियर में चेंज आएगी, उसके स्किल्स इम्प्रूव होंगे, उसके ग्रेड्स इम्प्रूव होंगे, तो आप अल्टीमेटली उसकी लाइफ सही कर रहे हो, ठीक है. तो अल्टीमेटली आप इवेंचुअली आप उसकी लाइफ सही कर रहे हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. अगर आप उसकी स्किल्स आप में उसमें कोई स्किल इंकल्केट कर रहे हो तो इन वे यू आर हेल्पिंग हिम आउट, राइट. सो द बेसिक थिंग व्हिच ही रिक्वायर्स इज इंप्रूविंग इट्स स्किल्स. आप उसकी स्किल्स को इंप्रूव करो एज अ टीचर. Now the last question. Today I have got only 15 questions for you. Hopefully in next session I will be bringing more important questions to you. So for today we have only 15 questions. So the last question that we'll be discussing today is, in an inclusive classroom with diverse learners, cooperative learning and peer tutoring. Okay, peer tutoring. कोऑपरेटिव लर्निंग. देखिए जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेटिव लर्निंग. एज अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इट्स योर जॉब ओके टू मेक टीम्स, बच्चों की टीम्स बनाना, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से नहीं कि एक ये टीम जो है हाई आईक्यू लेवल वाले बच्चों की ये टीम, नहीं उनको ऐसे उनको उन्हीं पे छोड़ देना वो कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है. अब अगर आप क्लास में ऐसा कोई एक्टिविटी करा रहे हो बच्चों को बोलो आप खुद ग्रुप्स बनाओ, या एज अ टीचर आप थोड़ी उनको मदद करो, या आपने कोई लीडर्स बना दिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है एज अ टीचर. तो आप लीडर्स बना दो, वो खुद ही ग्रुप्स बना देंगे, तो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है. पीयर ट्यूटोरिंग, एक बच्चा दूसरे बच्चे की गलती उसको पढ़ाता है, उसकी करेक्शंस करेक्ट करता है. जब बच्चा बच्चे से सीखता है वो ज्यादा अच्छा सीखता है, और वो आपस में ऐसी बातचीत करते हैं ना, मतलब वो जल्दी सीखते हैं जब वो एक दूसरे की गलती एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे की गलती करेक्ट करते हैं. तो एज अ टीचर आपका भी काम आसान हो रहा है, ठीक है. आपको ज्यादा क्लास में उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है. जब बच्चे बच्चे से सीखेंगे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है तो कितना अच्छा है, दोनों की स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर को नहीं बोल पाते कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो अपनी टीम की या अपने क्लासरूम के किसी बच्चे को देखते हैं जो उनसे पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, उसको वो बोल पाते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड. इस चीज को हमें कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग को हमें डिस्करेज करना चाहिए, कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए बच्चों में, ठीक है. डिस्करेज करके कंपटीशन जी सब अलग अलग हो जाओ और सब अपना अपना सोचो. शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन इन क्लासमेट्स. ये हमें कभी कभी यूज करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा कंपैरिजन स्टार्ट होता है. Should be actively promoted to facilitate peer acceptance. Yeah, इस चीज को हमें actively class में लेना चाहिए क्योंकि इससे peer acceptance बढ़ती है. Peer acceptance in a way, कोई group में उनकी आपस की relations अच्छी नहीं है, कोई rivalry है class में, right? तो वो इससे ठीक होगी, ठीक है. जो class में भी अपने अपने मतलब हर एक लेवल पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, एज अ टीचर आपको पता होगी कि कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे चलते रहते हैं क्लासरूम में भी. तो जब उनको ग्रुप्स में बनाओगे, टीम्स बनेंगी, तो वो पीयर एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी. ओके,
should not be practiced and students should be segregated as per their abilities. ये चीज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए और बच्चों को सेग्रीगेट करना चाहिए एज पर देयर एबिलिटीज. जो मैंने पहले कहा किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है सेग्रीगेट करना बच्चों को एज पर देयर एबिलिटीज. तो ये ऑप्शन तो पहले ही रूल आउट हो जाता है. पहला ऑप्शन डिस्करेज्ड, तो ये भी रूल आउट हो जाता है. कभी कभार करना चाहिए, ये भी रूल आउट हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इससे पीयर एक्सेप्टेंस बढ़ती है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो फॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड दीज 15 क्वेश्चंस, राइट. And believe me guys, all these 15 questions have been taken from previous year question papers. You can, you know, just go through them. आप इनको अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इनसे और आपको माइंड क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक ही तरह के क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछे जाते हैं तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड ओके टू दिस चैनल एंड आई विल बी यू नो making few more videos for you regarding inclusive education and I will be bringing more questions. मैं और questions लाऊंगी ताकि आपकी practice अच्छे से हो और आप exam wonderfully crack करो और आपके अच्छे 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 grades आए, अच्छे marks आए और आप सब successful हो जाओ. Thanks for listening to me. Thanks for being a part of this session. Thank you all. Thank you so much. That was all for today. Please take good care of yourself and your families. Stay safe. Thank you so much.